in order to bring certainty and to increase deterrence among tax नुकसान का हवाला देकर कर चोरी करने की कोशिशों को रोकने की प्रयास है। अघोषित आय को किसी भी तरीके से कर चोरी को किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास होगा और साथ ही अघोषित आय को आप नुकसान से भरपाई करने का प्रयास नहीं कर सकेंगे। यह देखने आया है कि बिजनेस प्रमोशन की जो रणनीति है वो गिविंग बेनिफिट्स इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट्स एक्सीड्स 20,000 रुपीस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अ फ्यू अदर चेंजेस आर बीइंग मेड द डिटेल्स ऑफ व्हिच आर देयर इन द फाइनेंस बिल। इनडायरेक्ट टैक्सेस सर रिमार्केबल प्रोग्रेस अप्रत्यक्ष कर बहुत महत्वपूर्ण प्रगति जीएसटी हैज बीन अ लैंडमार्क रिफॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बढ़ोतरी जीएसटी में देखने को मिली है। जीएसटी भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। शुरुआत में इसमें बड़ी चुनौतियां थी, ये चुनौतियां अब दूर हुई हैं और जीएसटी काउंसिल के अगुवाई में हमने इन मुश्किलों को दूर करने का प्रयास किया है। अब हम एक आईटी आधारित और एक बेहतरीन जीएसटी काउंसिल जीएसटी रिजीम बनाने में कामयाब रहे। अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आने वाले सालों में कम किया जा सके। व्यवस्था ने बेहतर किया है ताकि लोग जीएसटी कंप्लायंट बन सकें। जीएसटी इसमें मिलने वाले राजस्व प्राप्तियां बेहतर हुई हैं। मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं जो मुझे आज ही पता चला है, जो इस भाषण का हिस्सा नहीं है। मैं आज इस सदन के सामने ये कहना चाहूंगी, इस सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि सकल जीएसटी प्राप्तियां जो हैं जनवरी 2022 में 1,40,986 करोड़ रुपए जनवरी 2022 में इकट्ठा हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जीएसटी देश में लागू होने के बाद से। यह आर्थिक बढ़ोतरी, जो आर्थिक विकास है, आर्थिक रिकवरी है, उससे ही संभव हुआ है। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में आए सुधारों से ही संभव हुआ है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकारों के जो कर प्रशासन है उनकी तरफ से उठाए गए कदमों से इसमें मदद मिली है। करदाता इस विकास के लिए धन्यवाद और तारीफ के पात्र हैं। इन पार्ट ए ऑफ माय स्पीच उन्होंने न केवल विशेष आर्थिक जोन, अपने भाषण के पहले भाग में मैंने एससीजेड व्यवस्था में सुधारों का प्रस्ताव रखा था। ABP News, आपको रखे आगे।